नमस्कार, वापस से स्वागत है एक बार फिर से एक और अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम बाइनेंस अकाउंट में गूगल ऑथेंटिकेटर को, ईमेल को या फिर फ़ोन नंबर को, जो पासवर्ड सिक्योरिटी के रूप में हमने इनेबल किया हुआ है, जब हम विड्रॉल करते हैं अपने एसेट्स को, अपने USDT को, या फिर हम P2P के माध्यम से सेल करते हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है P2P के माध्यम से, जब हम अपने डॉलर को या फिर किसी कॉइन्स को हम जब सेल करते हैं, तो सेल करने के बाद हमें उसको रिलीज़ करने की आवश्यकता पड़ती है। तो उसके लिए हम लोगों ने अपने पहले जब अकाउंट क्रिएट किया होता है, तो वहाँ पे ऑथेंटिकेटर ऑन कर दिए देते हैं या फिर ईमेल या फिर फ़ोन नंबर। हो सकता है कि आपका ऑथेंटिकेटर काम नहीं कर रहा हो या आपका ईमेल काम नहीं कर रहा हो, अगर आप उसे बदलना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, उसी को आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको प्रोफाइल वाले सेक्शन पर क्लिक करना होगा, यहाँ पर सर्च बार के बगल में है, इस पर हमने क्लिक कर दिया। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे यूज़र्स का एक ऑप्शन दिख रहा होगा सबसे ऊपर, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सिक्योरिटी का एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन दिख जाएगा, 2FA जो है, मेरा पासकीज़ ऑन है और मेरा ईमेल ऑन है, ये दोनों चीज़ें मेरी ऑन है। आप चाहे तो ऑथेंटिकेटर भी ऑन कर सकते हैं, पासवर्ड भी लगा सकते हैं, इसके अलावा आप पे पिन के माध्यम से कर सकते हैं या फिर फ़ोन नंबर, इतनी सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। तो मेरे यहाँ पे दो चीज़ें ऑन है, पासकीज़ और ईमेल। अगर आपको इसमें से किसी को मैं रिमूव करना है, आप चाहे तो ऑथेंटिकेटर को भी रिमूव कर सकते हैं, पासकीज़ को भी रिमूव कर सकते हैं, ईमेल को भी रिमूव कर सकते हैं, जो भी आप चाहें आप कर सकते हैं। करना क्या होगा, चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं आपको पासकीज़ बायोमेट्रिक्स को हटा करके और ऐड करके दोनों भी दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा पासकीज़ या बायोमेट्रिक्स पे। यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक तो है ऐड पासकीज़, जैसे कि मेरा ये जो अकाउंट है एक दूसरे वाले फ़ोन में लॉगिन है, तो उसका गूगल पासवर्ड मैनेजर मेरा ऐड हुआ है, वहाँ का जो फिंगरप्रिंट है जो वो ऐड है यहाँ पे, तो मैं चाहूँगा तो एक और ऐड कर सकता हूँ इस फ़ोन के लिए, या फिर अगर मैं चाहूँ तो इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। डिलीट करने के लिए क्या करना होगा, इसी के सामने आप देख सकते हैं डिलीट का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं डिलीट करने के पर्पज़ से, तो यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन आता है कि जब आप अगर इसे चेंज करना चाहते हैं या फिर आप रिमूव करना चाहते हैं, तो रिमूव करने के साथ ही आपका जो विड्रॉल होगा, P2P ट्रांजेक्शन होगा, वो सारा का सारा डिसेबल्ड कर दिया जाएगा 24 घंटे के लिए, फॉर द सिक्योरिटी पर्पज़। सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए आपका ये जो ट्रांजेक्शन होगा विड्रॉल का, वो रोक दिया जाएगा। उसके बाद फिर आप 24 घंटे के बाद फिर से अपना सारा कुछ विड्रॉ वगैरह कर सकते हैं पासवर्ड डालने के बाद। तो जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे रिमूव करना है, तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे मेरे सामने वेरीफाई विद पासकीज हो रहा है, लेकिन ई वाला फ़ोन उसमें रजिस्टर्ड नहीं है, मेरा दूसरे वाले अकाउंट में ऐड था। तो मैंने यहाँ पे क्या करूँगा, मैं माई पासकीज आर नॉट अवेलेबल, जैसे मैंने इस पर किया, ईमेल पे चला गया एक OTP, और वो वहाँ से मैं OTP यहाँ पे डालकर सबमिट जैसे ही करूँगा, फिर मेरा वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा, यानी कि जो मैंने पासकीज बायोमेट्रिक्स ऐड किया था वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना डिलीट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे ऐड करके दिखाता हूँ। ऐड करने के लिए ऐड पासकीज के ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे पासकीज का मैं करता हूँ, जैसे ही पासकीज मैं करूँगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख रहा है, मेरा फ़ोन दिखा रहा है कि आपका ये फ़ोन है और इस फ़ोन में आपको यूज़ करना, तो मैं कह रहा कंटिन्यू, यस मेरा इसी फ़ोन में मुझे इसके पास कीज़ चाहिए। तो थोड़ा टाइम लग रहा है, अब यहाँ पे मेरा मुझे पैटर्न ड्रॉ करना है, मैं यहाँ पे अपना पैटर्न ड्रॉ कर देता हूँ। और इसके बाद में फिर से मैं यहाँ पे करूँगा, मैंने यहाँ पे स्विच टू अनदर वेरिफिकेशन मेथड तो मैंने क्लिक किया, तो मुझे मेरे ईमेल पे एक वेरिफिकेशन कोड सेंड कर दिया गया है, मैं वहाँ से यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। चलिए देखिए मेरे यहाँ पे आ चुका है बाइनेंस का वेरिफिकेशन कोड, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं यह कोड वहाँ पे इंटर कर दूंगा। इसके बाद ऑटोमेटिकली ये ले लिया। यहाँ पे देखिए गूगल पासवर्ड मैनेजर ये वाला भी ऐड हो चुका है 4 अक्टूबर 2024 को। तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, आप इसी तरीके से रिमूव भी कर सकते हैं। मैंने दोनों प्रोसेस आपको दिखा दिया, चाहे जो कुछ भी आप करना चाहें आप यहां से रिमूव वगैरह ऐड कर सकते हैं। चलिए जैसे मान लीजिए कि मुझे फ़ोन नंबर करना हो, तो मैं यहां पे फ़ोन नंबर पे क्लिक करूंगा और यहां पे देखिए फ़ोन नंबर का ऑप्शन अवेलेबल है। मैं यहां पे ईमेल पे कर सकता हूं, ईमेल पे मैंने क्लिक किया, यहां पे देखिए एडिटेबल का ऑप्शन भी है, एडिट के ऊपर मैंने क्लिक करूंगा, फिर वहां पे 24 घंटे के लिए ऑफ कर देगा।
तो आप जो भी चाहें आप कर सकते हैं, आप ऐसे ही अपना सिक्योरिटी वेरिफिकेशन को चेंज भी कर सकते हैं या फिर ऐड कर सकते हैं। तो यही रही जानकारी हमारी आज के इस वीडियो में, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।